y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. ये है, क्या दिया हुआ है, x greater than minus 1 दिया है, is an increasing function of x throughout its domain. This is an increasing function of x. ये हमें show करना है कि this function is increasing function. कैसे show करोगे? dy by dx. देखो, हमें ये show करना है कि for x greater than 1, ये function कैसा है? Increasing function है. ठीक है? तो कोई भी function increasing कब होता है? जब उसका derivative greater than 0 हो. मतलब हमें इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो शो करना है. डीवाई बाई डीएक्स क्या आएगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर. टू प्लस एक्स एज इट इज, टू एक्स का डेरिवेटिव टू माइनस. अब टू एक्स एज इट इज, टू प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वन होगा. डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 1 plus x minus 4 upon 2 plus x का होल स्क्वायर 4 होगा. कहां पर 4 न्यूमेरेटर 4 होगा upon 2 plus x का होल स्क्वायर. ये सिंपलीफाई होके 4 आ जाएगा, 4 upon 2 plus x का होल स्क्वायर. ठीक है, dy by dx is equal to एलसीएम ले लो यहां पर, 1 plus x into 2 plus x का होल स्क्वायर क्या आएगा? टू प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन. ठीक है, करो सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा? टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दो इसको, क्या बनेगा? फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स, फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस 4x माइनस 4 अपॉन 1 प्लस x 2 प्लस x का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट, 4 कैंसिल, ये भी कैंसिल. देवेश आ जाओगे ना ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन टेस्ट के लिए? हाँ सर, कब आने बता दो. हाँ बताता हूँ, बाकी ये दोनों तो नजदीकी हैं तो आ ही जाएंगे, आपका थोड़ा दूर पड़ेगा, पर एक दिन में तो नहीं आता. एक दिन टेस्ट है. हम कहाँ रहता है ये? 46. हाँ मैं 49 में रहता हूँ. अच्छा, आप तुम 49 पास ही हैं फिर तो. हाँ, मुझे तो लगा था तुम इधर रहते हो सुशांत लोग साइड में. नहीं सर, फिर तो तुम्हें ज्यादा दूर पड़ेगा. अकाउंट्स कैसे जा रहे हो, ऑफलाइन जा रहे हो ऑनलाइन जा रहे हो? सर अभी ऑफलाइन जाऊंगा नेक्स्ट क्लास से. अच्छा, अब देखो बच्चों ये आ गया. अब एक बात बताओ, x अगर 1 से बड़ा है, इफ x इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1, x माइनस 1 से बड़ा है, माइनस 1 से बड़े का मतलब क्या है, समझे या नहीं समझे? माइनस 1 से ग्रेटर, अगर आप यहां से माइनस, यहां एक्स को कुछ भी पुट करोगे माइनस वन से बड़ा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा या जीरो भी हो सकता है. अगर एक्स को आप ग्रेटर देन माइनस वन रखोगे, एक्स कार्तिक कहाँ है? तो वो बाहर है, तो वो ट्रैवल कर रहा है, उसने कहा था कि आपको बता कि वो नहीं है. अच्छा, नमन भी इधर? मैं तो समझ रहा हूँ हम चार लोग ही हैं, मुझे पता ही नहीं था नमन भी इधर है. अच्छा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एक्स, नमन कैमरा ऑन करो, मैंने वो कर रखा है ना कि विदाउट कैमरा वाले. yes, विदाउट हाइड, द हाइड विदाउट कैमरा, जो कैमरा ऑन नहीं है वो हाइड हो जाएंगे.
पैनल से। नमन तुमने दिखाई नहीं था, नमन ने कैमरा ऑन नहीं किया। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक बात बताओ, एक्स को आप ग्रेटर देन माइनस वन रखोगे तो एक्स स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा होगा? यस सर, है ना। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आर यू श्योर कि एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा? तो पूछना चाहता है क्यों होगा? बताओ भाई, माइनस वन से बड़ा नंबर रखोगे, माइनस वन से बड़ा तो क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा ही होगा। लेकिन जब माइनस वन से बड़ा तो जीरो भी होता है, जीरो यहाँ रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड जो ये वन प्लस एक्स है, वन प्लस एक्स का क्या होगा? एक्स को माइनस वन से बड़ा रखा, जैसे कि माइनस वन से बड़ा क्या कितना हो गया, पॉइंट नाइन, माइनस पॉइंट नाइन, तो माइनस पॉइंट नाइन यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, ये भी जीरो से बड़ा आएगा। और टू प्लस एक्स का होल स्केयर, क्योंकि तो होल स्केयर है, ये होल स्केयर तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। तो हाँ, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स में हमारे पास एक दो तीन तीन टर्म है, डिनोमिनेटर पूरा हमारा जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव है, न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है या फिर जीरो है। तो ओवरऑल जो डी वाई बाई डी एक्स है, न्यूमरेटर के जीरो होने से जीरो भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आया ही ग्रेटर देन जीरो। फॉर एक्स ग्रेटर देन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज, जब डी वाई बाई डी एक्स का अगर जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन कैसा होता है? एफ एक्स इज एन, बताओ कैसा होता है? डी वाई बाई डी एक्स जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन कैसा होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। जान भूल गए? आता था। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स नमन जीरो से बड़ा है तो फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है। Yes. सेकंड इज, एट कर लिया था या नहीं कर लिया था? तो नहीं किया था, नहीं किया था। वैसे तो मेरे मुझे से याद आ रहा है कर लिया था बेटा, तो नहीं किया था तो आप करना, उसको ट्राई करना। ठीक है, y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta, ये y है। हमें ये शो करना है कि थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू। थीटा जीरो से पाई बाई टू बिलोंग कर रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये शो करना है, ठीक है। देखो सभी लोग डिवाइड बाई डी थीटा फाइंड करो, एक पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आ गया टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, टू प्लस कॉस थीटा होल कॉस थीटा इंटू फोर कॉस थीटा। माइनस फोर साइन थीटा टू प्लस कॉस थीटा, जीरो माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या हो गया? माइनस साइन थीटा। टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नमन क्यों मुस्कुरा रहे हो? सर कुछ नहीं, सर दिवेश शास्त्र आता तो मेरे को हंसी आ गई। सर मतलब ये आपकी क्लास में आपको नहीं देखता जो आप करवा रहे होते हो, मेरे को ही देखते रहता है सर, इसका मतलब। सर स्क्रीन तो सामने पूरा ही दिख रहा है ना, सभी दिख रहे हैं। इधर ध्यान दो, डी वाई बाई डी थीटा, तो ये कितना हो गया? एट प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये टू प्लस कॉस थीटा है, बच्चा एलसीएम ले लो तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस में टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन
कोई बात नहीं दिवेश, नमन को हंस लेने दे थोड़े दिन हमारे साथ। ओके सर, जैसा आपको। सर वो टू ठीक है सर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे है? टू प्लस कॉस थीटा उसको कैसे है? क्या बेटा लास्ट टर्म कैसा है? एलसीएम ले लिया ना बेटा, तो ये दोनों का एलसीएम तो ये आएगा, टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वन के जगह तो ये आ गया, ये समझ आया आपको कि वन के जगह ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। क्या कैसे? तो दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए? इधर देख, ये है एलसीएम आएगा, यानी जो वन एलसीएम टू आएगा, टू को टू से डिवाइड करा, वन आया वन यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वन ही आएगा, प्लस वन को टू से डिवाइड करोगे तो टू आएगा, टू को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो टू आएगा, तो मतलब जब डिनोमिनेटर वन हो तो एलसीएम यही आ जाता है, यही वाला नंबर, और वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। सर नहीं okay. अच्छा यहाँ से फोर कॉमन ले लें तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये कितना होगा, फोर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस थीटा, यही आएगा क्या? देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और आपको वो एट कॉस नहीं होना चाहिए, एट लेके ऊपर क्या बेटा, जब आप वो खोलो जो फिर ऊपर वाला जो हाँ। अभी पेज टू टॉप पे है, उसके बाद जब आप खोलोगे तो फिर वो एट कॉस नहीं होना चाहिए, एट कॉस प्लस फोर कॉस स्क्वायर। अच्छा यहाँ क्या है, एट कॉस थीटा होना चाहिए, हाँ एट कॉस थीटा आएगा, तो ये हो गया एट कॉस थीटा प्लस में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, वन फोर से मल्टीप्लाई होगा फोर हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस में फोर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा, टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, एट कॉस थीटा फोर कॉस थीटा क्या बन जाएगा, फोर कॉस थीटा, फोर कॉस थीटा, और ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, नमन लिख नहीं रहे हो ठीक है, अब यहाँ से फोर कॉस थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा फोर माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ठीक है, ये डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा फोर माइनस कॉस थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ठीक है। दिस अब एक बात बताओ, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई बाई टू के बीच में, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में, जीरो से नाइन्टी के बीच में, अगर थीटा नाइन्टी के जीरो से नाइन्टी के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, थीटा कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा देखो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस वन से वन के बीच में होती है, एक बात बताओ कॉस थीटा अगर माइनस वन से वन के बीच में है तो जहान फोर माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो प्लस में होगी, प्लस में होगी क्योंकि देखो फोर में से माइनस वन हुआ तो थ्री आ जाएगा, फोर माइनस में माइनस वन हुआ तो फाइव आ जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू थ्री और फाइव के बीच में रहेगी, हमने इसमें से सबसे बड़ा नंबर लेके देख लिया सबसे छोटा वैल्यू नंबर लेके देख लिया, आंसर थ्री और फाइव आता है तो हमारा पूरा आंसर थ्री और फाइव के बीच में आएगा, अगर थ्री और फाइव के बीच में आया तो पॉजिटिव ही हो गया ना, और नीचे तो होल स्क्वायर है
टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। एक बार बताओ, कॉस थीटा तो माइनस वन से वन के बीच में होता है, कॉस थीटा किसके बीच में होता है? माइनस वन से वन के बीच में। निवेश, ये टू प्लस कॉस थीटा क्या होगा? टू प्लस कॉस थीटा क्या होगा सर? टू प्लस कॉस थीटा देखो, अगर आपने आपको रख दिया तो टू माइनस में वन का होल स्क्वायर, जो एक टर्म है वो हमारी जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है, दूसरी टर्म जीरो हो सकती, मतलब जीरो से बड़ी है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझे? ओवरऑल डिवाइड बाय ग्रेटर देन जीरो आ गया, मतलब फंक्शन कैसा हो गया? एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। समझ गए? यस सर। अगला क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे कि ऐसा फंक्शन y इज इक्वल टू log x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जीरो से डेरिवेटिव कर देंगे इसका, डिवाइड बाई डी एक्स। देखो log x log x is defined only for positive values, x जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। log x इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जीरो टू इन्फिनिटी ही इसका डोमेन है। नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो log नेगेटिव वैल्यू का डिफाइन नहीं होता है। अच्छा, तो x हमारा यहाँ पर क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में है, क्वेश्चन में भी दिया है वो, नहीं भी देते तो भी अंडरस्टूड था। dy by dx क्या आ गया? वन अपॉन x। एक बात बताओ, x जीरो से बड़ा है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है ना, x जीरो से इन्फिनिटी के बीच में मतलब जीरो से बड़ा है। अगर x जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है, जीरो से बड़ा है, तो x क्या हो गया? x पॉजिटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज वन अपॉन x भी तो जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर का। अगर बच्चे कैमरा ऑन करो, कैमरा तो ओपन करके चले गए। वन अपॉन एक्स का मतलब इसका नाम पॉजिटिव नंबर का, जैसे फाइव है, फाइव जीरो से बड़ा है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी जीरो से बड़ा रहेगा। रेसिप्रोकल करने से क्या अनिरुद्ध? वैल्यू तो कम होता रहेगा, वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और हमें यहाँ कम ज्यादा वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव से कंसर्न है। तो वो तो बेटे वो वैल्यू देखी जाती है फंक्शन की, एफ डैश एक्स की नहीं, एफ डैश एक्स की नहीं देखी जाती, वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है वो फंक्शन की वैल्यू देखी जाती है, एफ डैश एक्स की नहीं। ये तो हम तो एफ डैश एक्स को देख रहे हैं, डीवाई बाई डी एक्स। एक्स एक्स जीरो से बड़ा है तो एक्स का रेसिप्रोकल भी जीरो से बड़ा होगा, तो वन अपॉन एक्स क्या हो गया? जीरो से बड़ा हो गया। ग्रेटर देन, दिस इज वन अपॉन एक्स, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, डीवाई बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। डीवाई बाई डी एक्स को हम देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना ही देखते हैं। डीवाई बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया? एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स हमारा कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये होगा, चलो आगे। चलो यस सर, यस लिख लो पहले, नमन लिख नहीं रहे बेटे आप, नमनो
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये है एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहां से कहां पर? ऑन माइनस वन से वन, माइनस से वन से वन के इंटरवल पे ये फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किसी भी इंटरवल पे दिवेश, किसी भी इंटरवल पे दिवेश पढ़ाई पे ध्यान दो सर आपके सामने, किसी भी इंटरवल पे कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है दिवेश? सर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है? सर व्हेन ग्रेटर देन जीरो तब इंक्रीजिंग होगा। जब पूरे इंटरवल पे, पूरे इंटरवल पे या तो इंक्रीजिंग हो या पूरे इंटरवल पे डिक्रीजिंग हो तब उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। अगर आधे इंटरवल पे माइनस वन से वन का इंटरवल है, आधे पे वो इंक्रीजिंग है आधे पे डिक्रीजिंग है, उसे क्या कहेंगे? इस कंप्लीट इंटरवल माइनस वन टू वन के लिए क्या है ये? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, समझे? किसी भी इंटरवल पे, कंप्लीट इंटरवल पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब कहा जाएगा? अगर कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है तब हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे, अदरवाइज क्या कहेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ, सम पार्ट पे फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। सम पार्ट पे फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या कहा जाएगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, समझ आया? यस। आप क्वेश्चन में बोला है कि इस पे ये, इस इंटरवल पे ये फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये शो करना है। देखते हैं जरा, एफ डेस एक्स निकालो पहले तो। एफ डेस एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1, पुट करो एफ डेस एक्स को जीरो, एफ डेस एक्स को जीरो पुट कर दो, क्या आ गया? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, यहां से x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा। सॉरी x इज इक्वल टू हाफ आ गया। नंबर लाइन बनाओ, ये माइनस वन है, ये वन है और ये हाफ। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, x कितना हाफ दिया हुआ है? हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगा लिया आपने, बताओ बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, कौन से इंटरवल पे नेगेटिव होगा, कौन से पॉजिटिव होगा? लेफ्ट में नेगेटिव होगा, राइट में पॉजिटिव होगा। लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, बाकी लोग भी चेक करो यही आ रहा है। ठीक है, यही आना चाहिए। जैसे 0.6 ले लो, यहाँ पर ये 0.5 होता है ना हाफ, 0.6 ले लो, 0.6 यहाँ डालोगे, 2 इंटू 0.6 माइनस में 1, तो 1.2 माइनस में 1.2 हो गया ऐसे। ठीक है, तो लेकिन फिर अगर हम सेंट को सेट करेंगे तो अगर कोई प्लस वाली वैल्यू करेंगे तो हमारा पॉइंट प्लस ही में है आंसर, मतलब अगर हम वो ले लेंगे, रिपीट करो बेटा क्या कहा, 0.4 लेंगे तो फिर 0.4 ले लो या जीरो भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड से तो जीरो भी ले सकते हो, तो 2 into 0 - 1, 2 into 0 - 1 - 1 आ जाएगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव आ गया। ये कह रहे थे कुछ और? हाँ सर, आगे में कुछ ऐसे आएगा। ठीक है,
तो क्या हुआ सर, तो इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? अब देखो x बिलोंगिंग टू माइनस हाफ माइनस वन टू हाफ f डैस x क्या है लेस देन जीरो, तो फंक्शन कैसा हो गया एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू हाफ टू वन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन कैसा हुआ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओवरऑल क्या हो गया, आधे इंटरवल पे माइनस वन से हाफ तक डिक्रीजिंग, पहले डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल पे तो ना इंक्रीजिंग हुआ ना डिक्रीजिंग हुआ। मैंने आपको यही बताया ना कि कंप्लीट इंटरवल पे फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तब कहेंगे जब एंटायर फंक्शन इंटरवल पे या तो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है या पूरे इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, तभी हम उसे कंप्लीट इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे, बट यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहाँ पर ऑन माइनस वन टू वन ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, समझ आया? यस, चले आगे। यस, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन देखो जरा। Which of the following are strictly increasing on 0 to pi by 2? पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका चेक करो 0 से पाई बाई 2 के लिए कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, चेक करो। ओके सर, डिक्रीजिंग होगा क्या? एक सेकंड सर, 0 टू पाई बाई 2 में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव नहीं होता ना बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता ना। अच्छा, ओ हाँ, तो ये डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये वाला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यस सर। अच्छा, करके दिखाओ, लिख के दिखाओ सर, उसका डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स होता है तो नेगेटिव। लिख के दिखाओ अनिरुद्ध, लिख के दिखाओ, पेपर में बोल के थोड़े बताओगे बेटा, वॉइस रिकॉर्ड थोड़ी अटैच करोगे, लिख के दिखाना बेटे। सर एंड्रॉइड चेंज करवा देगा सीबीएसई का पैटर्न। ऐसे नहीं होता बेटे, लिख के दिखाओ सर। उसके पापा काम करते हैं ना सीबीएसई में। मैं तुम्हारी ना पिटाई कर दूंगा, फालतू बकवास सीखते जा रहे हो। मजाक नहीं, ऐसे उड़ाया जाता, तुम बेवकूफ की बात कर रहे हो। सर बता दो क्या मजाक का उड़ा रहे हो, सीबीएसई में अच्छी पोजीशन में है वो। हाँ सर, मजाक उड़ा रहे हैं, फालतू बातें नहीं, बस बंद करो सर। हो गया, दिखाओ अनिरुद्ध, दिखाओ नॉट बुक, दिखाओ अनिरुद्ध। यस बोलो। यस सर। बाकी लोग दिखाओ सर, देख लो ये ठीक नहीं है अनिरुद्ध। यस बोलो सर। मैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लिखा। यस बोलो। यस, हाँ जान का ठीक है। अगला सर मैं दिखा दूं? दिखाओ।
यस सर, दिख रहा है? एक मिनट, ठीक है, देखने दो. ठीक है, बट थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा. ओके नमन, नमन तो गया कैमरा बंद करके. यस बोलो. हाँ सर, भाग गया. नमन यस बोलो. यस सर. यस दोबारा बोलो. हाँ नीचे करो थोड़ा नोटबुक. यस सर. नोटबुक थोड़ा नीचे करो सर. यही है, मुझे यहीं से स्टार्ट करो. नहीं नमन, आपने ठीक नहीं किया. देखो इधर कैसे लिखना है. मैंने उसने भी गलत किया, दिवेश ने ठीक किया, लेकिन लिखा अच्छे से नहीं. जहान ने ठीक किया, अच्छे से लिखा. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. अब इंटरवल क्या दिया? जीरो से पाई बाई टू दिया है ना. जीरो से पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. जीरो से पाई बाई टू है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा. और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो यही तो हमारा एफ डैश एक्स है. एफ डैश एक्स क्या हो गया? नेगेटिव. एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, यानी कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ऐसे लिखना था. मतलब अनिरुद्ध ने क्या लिख दिया कि एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू पाई बाई टू पॉजिटिव. एक्स थोड़े पॉजिटिव दिखाना है, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिखाना है. ठीक है, एफ डैश एक्स को पॉजिटिव दिखाना है या नेगेटिव दिखाना है. तो साइन पहले क्वाड्रेंट में जीरो से पाई बाई टू में अनिरुद्ध ने लिखा कि एक्स पॉजिटिव होते हैं. एक्स पॉजिटिव नहीं होते, साइन एक्स पॉजिटिव होता है. एक्स अगर जीरो से पाई बाई टू के बीच में है, एक्स एंगल अगर जीरो से नाइन्टी के बीच में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन नेगेटिव हो जाएगा. एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, एफ एक्स डिक्रीजिंग. ऐसे लिखना है. नमन करो, इसको कंप्लीट करो. नमन अगले वाला भी. नमन यस सर, जल्दी कंप्लीट करो इसको. तो इसके बाद वाला हो गया. दिखाओ दिखाओ. ऐसे नहीं आएगा. सब लोग एफ डैश एक्स निकाल लो, आगे मैं सिखाऊंगा कैसे करना है. एफ डैश एक्स टू कॉस माइनस साइन टू एक्स. टू साइन टू एक्स. यस देखो, माइनस टू साइन टू एक्स आएगा. इंटरवल आपको दिया है, एक्स ना बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई बाई टू, लेकिन ये तो एक्स का इंटरवल है. एक्स जीरो से नाइन्टी के बीच में है, एक्स ना जीरो से पाई बाई टू के बीच में. लेकिन यहाँ तो एंगल 2x है, तो 2x क्या हो जाएगा? जीरो से पाई तक हो जाएगा ना. जीरो से पाई तक हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएंगे. समझ गए? इसमें पॉजिटिव भी हो जाएगा ना. x आ बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई बाई टू. दिस इंप्लाइज 2x, मतलब ये हुआ कि जीरो इज लेस देन x लेस देन पाई बाई टू. x 0 से 90 के बीच में है, तो 2x किसके बीच में हो जाएगा? 0 इज लेस देन x, 2x लेस देन पाई, 180 तक. साइन 2x, साइन का जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 तक है. साइन का जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 तक है. ठीक है, साइन इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है. तो साइन का जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 तक है, तब भी साइन 2x क्या होगा? 0 से बड़ा ही होगा. तो एफ एस एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो. ऐसे लिखेंगे इसको, लेकिन माइनस लगाया ना. ठीक है, तो माइनस साइन टू एक्स क्या हो जाएगा? साइन टू एक्स लेस देन जीरो. एफ डैश एक्स आएगा लेस देन जीरो. फंक्शन कैसा हो गया? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया. ठीक है, नहीं समझे? समझ गया सर. कैसे हुआ? जब एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, और एफ डैश एक्स
इंटरवल हमारा 0 से पाई, 2x हमारा 0 से पाई के बीच में है, इस 2x को देखना पड़ेगा आपको, 2x हमारा 0 से पाई के बीच में, तो sin 2x क्या होगा, 0 से बड़ा, क्योंकि इसका जो एंगल है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,